हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आप? कि हमें आशा है कि अच्छे होंगे। ये देखिए, अभी आप हमें इन कपड़ों में देख पा रहे होंगे। और कपड़े चेंज कर लेता हूँ तो करना। मैं तैयार हूँ जनाब, बस जूते डालने रह गए हैं। और कंघी, कंघी कहाँ गई मेरी? आगे का ब्लॉग दोस्तों बाइक पे ही लेते हैं, तो चलिए हमारे साथ। सामान तैयार है, अब चलते हैं। चलो जी, जर्नी को शुरू करते हैं अपने घर से। ये देख सकते हैं आप, यू मौसम बारिश होने वाली लगता है। चलिए आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने। अरे तू जा रही? तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का पता आपको आगे वीडियो में ही लगेगा, हमारे साथ बने रहें। अच्छा, ये मेरा माइक है, ये नीचे की ओर थोड़ा टिल्ट हो रहा है। अब देखता हूँ कि शायद से फ़ोन का वजन ज़्यादा है तो इसकी वजह से हेलमेट भी नीचे आ रहा है, और आपको आवाज़ हवा की वजह से बहुत कम आएगी, तो उसके लिए खेद है। और ये देखिए मलबा ऊपर से नीचे की ओर पधारता हुआ, ये कभी भी रोड ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे। ये है पूरू की बाएँ, काफ़ी पुरानी बाएँ है, इसमें हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो काफ़ी पानी पिया करते थे। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त आ गया होगा, तो कैमरा और बाइक ऑन करने में ही भलाई है। चलिए मैं पहुँचने वाला हूँ कैंटोल। देखिए बस अपने रोड में पहुँचने वाला हूँ। ये आगे सामने जो आप रोड पा देख पा रहे होंगे, ये जाता है पट्टा की ओर, पट्टा महलोक, और ये लेफ्ट टर्न लेकर के हम पहुंच जाएंगे बद्दी। और हमारा दोस्त मेरे ख्याल से आ गया होगा, या नहीं आया तो आने वाला होगा। भैया ये तो मोटा सीन हो गया, मैं अपने दोस्त का वेट यहाँ पे कर रहा था, पर वो भाई साहब इतने चतुर निकले कि हरिपुर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो दोबारा से चलना होगा, पहले स्टार्ट करो फिर न्यूट्रल करो। है क्या चोरी है? बहुत हवा चल रही है तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं गाना लगा रहा हूँ। मेरे यकीन के मुताबिक वैसा ही रोड हमें देखने को मिल रहा है, पिछली बार से तो काफी अच्छा था, वरना यहाँ पे तो पत्थर इतने बड़े बड़े आए थे कि हम क्या बताएं आपको। यहाँ पे है बर्गर वाली आंटी की शॉप, हमने काफ़ी सारे बर्गर खाए हैं यहाँ पे, हैप्पी एंड कुलदीप फास्ट फूड। जय हो मेरे भोलेनाथ जी, प्रभु हम क्षमा करें, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करने का प्रयास करें। यह है बर्गर बार, बोल पापा।
फाइबर वाले की जय। मेरा दोस्त पार ही बैठा है हरिपुर वाले बाबा जी के दरबार में, बिकॉज बाइक वहीं लगाएंगे हम, एक बाइक एक पे हम जाएंगे। जय हो बाबा। ये ब्रो कैसे हैं आप? ठीक है चले। के लाए रहा बाइक? वो आ गया सामने। ये देखिए दोस्तों हमारे दोस्त दिल के काफी करीब। अरे पहले तो भूख लग रही, खा लो इतना परांठे हैं साले टोपे। मैं तो तीनों परांठे खेत के ले रहा हूँ। हाँ चल तो अच्छा। जय हो बाबा जी, क्षमा करें। नहीं अरे क्या ही चाकू फोन आ तो कहा पता है, रोड ही से एक तो ऊपर यार। ये चलिए डायरेक्ट। बाबा जी के चरणों को छू करके हम वापस आ गए हैं अपने मंजिल की ओर। यहाँ से हमको जाना है राइट, तो इंडिकेटर दे देते हैं। आज तो भाई माइक भी लहरा दे भाई ने। हाँ क्या तुम्हारा हारमोनियम भी था? हाँ नहीं यार। हाँ पेंगा बैग रे छाटो, जो पेंगा भी बैग था पीछे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, क्योंकि तेरा कोई कंपटीशन टाइप हो ना, लीक हो गया। देखो बहन की सीरीन है, एक कोठी बढ़िया बना रहे हैं। अच्छा उमेश तो जान गया हूँ, से हिमानी और रहा हो। हिमानी और रहा तो नहीं कुछ नहीं, पर कितना ही ताऊ रहा है। अच्छा अच्छा तो इसके देखते देखते वो होता है उतर ला। तो यहाँ से अपना झाड़ माजरी स्टार्ट हो जाता है भैया, थोड़ा साइड। जितना भी आप झाड़ माजरी में देख पाएंगे ये गंदी गंदी देखेगा आपको, कंपनियाँ ही कंपनियाँ होगी, उनका कूड़ा कचरा सब कुछ। मैं मतलब कि हम क्या बताएं, अपनी बत्ती जो है वो धुंधली हो गई है। जय हो प्रभु। ये आया हूँ हमारा ब्लॉग, मतलब चलो खासे लंबा ब्लॉग पाई रहा हूँ। पहला कचरे का ढेर आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्यार की राह में चलना सी। बाकी साथ वहाँ थोड़ा अजीब लगो यार। कंपनी शुरू होने का वक्त हो गया है भैया, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई देगी। ये सारा झाड़ माजरी का एरिया है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है?